वेलकम मिस्टर उनो, वेलकम टू द पार्टी। ओह या थैंक्स मिस्टर रुचिक, एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमें इनवाइट किया आपके पार्टी में। ओह कम ऑन उनो, अब हम बिजनेस पार्टी में तो इनवाइट करना ही था। एंड ये आई एम उनोस फ्रेंड। ओह प्लीज कम, अब दोनों इंजॉय करिए पार्टी में, तब तक दूसरे गेस्ट से मिलकर आता हूँ। ओके ठीक है। फिर उषिक वहाँ से चला जाता है। उनो मैंने तुम्हें मना किया था कि मैं पार्टी में नहीं आऊँगी, लेकिन तुमने मुझे देखो कुकी प्लीज़, आई नो कि तुम डर रही हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ी ना तैयार गाने वाला है, जस्ट चिल करो एंड पार्टी इंजॉय करो। पार्टी कैसे इंजॉय करूँ, घर पे तो अकेली है और तुम कह रहे हो पार्टी इंजॉय करो। वो अकेली नहीं है, वहाँ पर अजुमा है उसका ख्याल रखने के लिए और तुम्हारा टेंशन फील करने के लिए, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। और तुम भी क्या वॉशरूम जाकर आती हूँ। अच्छा ठीक है, पर तुम्हें बताया वॉशरूम कहाँ है, मैं ढूंढ लूंगी, तुम फिकर मत करो। फिर कुकी इतना कहकर वहां से चली जाती है। इफ यू डोंट माइंड मिस्टर रुशिक, बट आप पार्टी स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे? आई मीन देखो हमें घर जल्दी जाना है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड मिस्टर उनो, इस पार्टी के मेन चीफ गेस्ट तो आने बाकी है, जब तक वो नहीं आने तब तक पार्टी कैसे स्टार्ट हो सकती है। मेन गेस्ट कौन आने वाला है मिस्टर रुशिक? द वन एंड ओनली वर्ल्ड मोस्ट हैंडसम मैन, द माफिया किंग। I hate you, मैंने तो बड़ा सरप्राइज देना चाहती थी, एक बात कहना चाहती थी, लेकिन तुम
तुमने मेरी बात सुने बिना मुझे घर से निकाल दिया, तो अब कुछ भी नहीं बचा है। कुकी वहां से जाने लगती है, तभी तेरा उसका हैंड होल्ड कर कर कहता है, क्या सच में तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? देखो 5 साल से मैं तुम्हारा बहुत वेट किया है, फिर अब मैं तुम्हें प्यार से दूर नहीं कर सकता। क्या तुम भी मुझसे दूर होना चाहती हो? एक बार अपने दिल से सुनो। जीनू मैं जिंदा हूँ और तुम्हारे साथ
की जन्म था। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं वहां से बाहर निकलूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन कल रात मुझे मौका मिल गया और मैं भागकर यहाँ पर आ गया। और देखो अब मैं तुम लोगों के सामने, डैड मुझे माफ कर दीजिए, आप मेरे वजह से। नहीं नहीं कुकी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तुम और तेयंग अलग हो चुके हो? नहीं डैड, हो चुके थे हम, लेकिन अब एक हो गए हैं। और आई प्रॉमिस, अब मैं कुकी को कभी अलग नहीं करूँगा। प्लीज कुकी बेटा, मुझे भी माफ कर दो, सारी गलती मेरी है। मैंने अपने गुस्से में अपने बच्चे की खुशी देखी नहीं। आर्यन मुझे माफ कर दीजिए। इट्स ओके जिन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सो आर्मी, इसी तरह से कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं एंड कुकी और तेयंग ने भी ताई को ये बता दिया था कि उन्हें उसके रियल पापा नहीं है, उसके रियल पापा तेयंग है। एंड ताई तो इनोसेंट थी, तो उसने सब कुछ मान लिया था और वो तेयंग को उसके पापा कहती है। और इस तरह से सब हैप्पीली रहने लग जाते हैं। और यूनजिन की रही बात, तो तेते ने उसे अपने डार्क रूम में, आई मीन टॉर्चर रूम में तो कैद कर रखा था, क्योंकि उसने उसके पापा को कैद किया था, तो इसलिए यूनजिन उसकी सजा भुगत रहा है। हे, हाय कुकी, हाय तेयंग, वेल तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। और अब मुझे वादा करो कि तुम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। हाँ उनो, हम कभी अलग नहीं होंगे। और अगर अलग हो भी गए तो कुकी तुम मेरे पास फिर से आ जाना। ओह प्लीज, तुम क्यों चाहते हो कि हम अलग हों? और अलग होंगे तो कुकी तुम्हारे पास क्यों आएंगे? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। वेल मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। ओके उनो, अपना ख्याल रखना। तुम पेरिस जा रहे हो ना? हाँ कुकी। वेल ताई कहाँ है? वो स्कूल गई है। एक्चुअली आज उसका फर्स्ट डे था। सो बैड लक। मैं चाहता था कि मैं ताई से मिलकर जाऊँ, बट शायद इट्स ओके, मैं वीडियो कॉल कर दूँगी तुम्हें उसके स्कूल से आने के बाद। ओके बाय। चलो कुकी हम भी चलते हैं। फिर कुकी और तेयंग वहाँ से चले जाते हैं। शायद कुकी तुम नसीब में थी नहीं, तभी तो इन 5 सालों में तुम अपने दिल तक भी नहीं के पाया। और देखो तुम और तेयंग एक दूसरे से मिल भी गए और अब तुम दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पीली रहने लगे। वेल तुम खुश तो मैं खुश।